हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के तहत पड़ने वाले गांव भेल पंचायत के बाशिंदों को आज तक सड़क सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है और करीब 3 किलोमीटर कच्ची सड़क पर दिनचर्या निपटाना मुसीबत बना हुआ है। समस्या को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर से मिला और कच्ची सड़क को पक्का करने की गुहार लगाई, जिस पर उपायुक्त ने जल्द सड़क को पक्का करवाने का आश्वासन दिया और 5 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की। हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के तहत पड़ने वाली बेल पंचायत के बाशिंदों को आज भी सड़क सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है और करीब 3 किलोमीटर कच्ची सड़क पर दर निपटना मुसीबत हो गया है। समस्या को लेकर आज ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर से मिला और कच्ची सड़क को पक्का करने की गुहार लगाई, जिस पर उपायुक्त ने जल्द सड़क को पक्का करने के लिए आश्वासन दिया और 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। बता दें कि हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के तहत पड़ने वाली बैल पंचायत के साथ लगते दर्जनों गाँवों को आज भी सड़क सुविधा के लिए सरकार का मुँह ताकना पड़ रहा है। आलम ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा केवल मात्र 2 किलोमीटर तक पक्की करने के बाद बाकी सड़क को 7 सालों से पक्का नहीं किया गया है, जिस कारण लोगों की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। कच्ची सड़क की हालत बदतर होने के चलते पैदल आवाजाही की भी दिक्कतें बनी हुई हैं और अगर कोई भी गांव में बीमार हो जाता है तो उसे कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। गौरतलब है कि बैल पंचायत में स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर कारगिल शहीद दीपचंद राणा का भी घर आता है और पंचायत को जाने वाली सड़क का नाम भी शहीद दीपचंद राणा के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन विडंबना है कि आज दिन तक शहीद के घर को जाने वाला मार्ग खस्ता हालत में है। हालांकि 2000 से ज्यादा आबादी के ग्रामीणों ने राजनेताओं से लेकर जिला प्रशासन के दरबार जाकर कई बार फरियाद लगाई है, लेकिन राजनेता केवल चुनावों में वोट मांगने तक ही सीमित रह जाते हैं और प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। कई बार विभागों के चक्कर काटने पर भी समस्या हल नहीं होने पर ग्रामीणों ने सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात करके गुहार लगाने का फैसला किया है। युवक संदीप राणा ने बताया कि बैल पंचायत में 3 किलोमीटर की सड़क कच्ची है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत में शहीद दीपचंद राणा के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है, लेकिन आज तक पंचायत की अनदेखी हुई है। मेरा नाम संदीप राणा है और हमारी भैल पंचायत पड़ती है और ढटवाल बिजली हमारी तहसील है और जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। और सड़क की सबसे गंभीर समस्या है क्योंकि सड़क जो है वो काफ़ी समय से जो है वो पक्की नहीं हो रही है और जो सड़क जो है वो हमारे बड़े भाई शहीद हुए थे, शहीद दीपचंद राणा जी, जो कारगिल में उन्होंने अपनी शहादत दी थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी 1999 में, जब कारगिल में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने शहादत दी थी हमारे बड़े भाई ने, शहीद दीपचंद राणा जी ने। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2002 में सड़क बनाई गई थी, लेकिन केवल 2 किलोमीटर तक की पक्की की गई है और 2013 में पुलिया और डंगे लगाए गए थे, लेकिन पक्का नहीं किया गया था, जिसके कारण बीमारी की हालत में दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने बताया कि बीमारी की हालत में कुर्सी पर बिठाकर ले जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बीमारी की हालत में 108 की गाड़ी भी नहीं पहुँच पाती है क्योंकि सड़क कच्ची है। युवक मंडल भैल की तरफ से आज हम यहाँ डीसी सर के पास अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं। जो सड़क हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, हमारे बड़े भाई शहीद दीपचंद राणा जी शहीद हुए थे कारगिल में, तो सरकार ने वादे किए थे कि यहाँ पे आपको सड़क पक्की की जाएगी, पर हालात ऐसे हैं कि सड़क अभी तक 2 किलोमीटर तक ही पक्की है और जो 3 किलोमीटर का रोड जो है अभी भी कच्चा है और मुश्किल वहाँ पे इतनी होती है लोगों को कि बीमारी के टाइम में लोगों को जो है पालकी पे उठा के, कुर्सी पे उठा के और चारपाई पे उठा के जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ता है। कंडीशन ऐसी भी है कि वहाँ पे कोई 108 नंबर की सुविधा नहीं मिलती है क्योंकि 108 नंबर वाले कच्चे रोड में आने से मना कर देते हैं। तो विभाग से मेरी मीडिया के द्वारा मैं विभाग से यही प्रार्थना है सभी मंत्रियों से और जो भी अफसर लोग हैं कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। कम से कम इतना तो करिए कि उस सड़क का एक मुआयना तो करके देखिए कि क्या हालत है, जहाँ पे लाखों रुपया जो लगाया है, डंगे बने हैं वहाँ पे, पुलियाँ लगी पड़ी हैं और सोलिंग हुई पड़ी है, तो इतना पैसा जो जहाँ पे बर्बाद किया है और वो अभी 2-3 बारिश अगर अच्छी से हो जाती है तो उसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि वहाँ पर कोई पर्सनल गाड़ी भी नहीं ले जा सकते।
कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे हम प्रदेश की ओर।